अटवाड़ी जी नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। आज जिला परिषद का चुनाव है वो संपन्न हो गया है पहली ही बार में और नव निर्वाचित चेयरमैन करण चौटाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार में ही हो गया, हालांकि ये लग रहा था कि इसको टालने का प्रयास किया जाएगा। जी देखिए, क्योंकि आज कोरम पूरा हो गया तो आभार व्यक्त करूंगा सरकार का, रेडीसी महोदय का, कि उन्होंने चुनाव करा दिया ताकि अब जल्द से जल्द जिला परिषद की जो कार्रवाई है उनको हम शुरू कर सकें। जल्दी हम अपनी पहली मीटिंग बुला करके और इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, ग्रांट्स को रिलीज करवाने का काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी काम पेंडिंग है जिला परिषद। कुछ प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ आई हुई हैं या जो पहले की जो रुकी हुई ग्रांट्स हैं उन सबको रिलीज करवाने का काम करेंगे। जी करण जी, बीजेपी की तरफ से एक नॉमिनेशन है वो दाखिल किया गया और हमें जो चार नंबर के पार्षद है वो भी मिले, कि जो बाकी लोग हैं वो बिल में घुस गए, मैं अकेला ही लड़ा, तो तीन नॉमिनेशन हुए पहली बार। आपको लगता है कि हालांकि दो नॉमिनेशन होते रहे, इस बार तीन थे जी, क्या क्या लग रहा है सरकार के जो लोग हैं जो नहीं पहुंचे? आपके जरिए बहुत ऐसे लोग थे जो दावे कर रहे थे कि करण को हराने का काम करेंगे और बनने नहीं देंगे जी। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज वोट डालने क्यों नहीं आए जब इतना दम लगा रहे थे मेरे खिलाफ जी। तो आज वो डर के ही बैठे हैं कहीं ना कहीं जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नव निर्वाचित चेयरमैन करण चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। आज जिला परिषद का चुनाव है वो संपन्न हो गया है पहली ही बार में और नव निर्वाचित चेयरमैन करण चौटाला हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली बार में ही हो गया, हालांकि ये लग रहा था कि इसको टालने का प्रयास किया जाएगा। जी देखिए, क्योंकि आज कोरम पूरा हो गया तो आभार व्यक्त करूंगा सरकार का, रेडीसी महोदय का, कि उन्होंने चुनाव करा दिया ताकि अब जल्द से जल्द जिला परिषद की जो कार्रवाई है उनको हम शुरू कर सकें। जल्दी हम अपनी पहली मीटिंग बुला करके और इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे, ग्रांट्स को रिलीज करवाने का काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी काम पेंडिंग है जिला परिषद। कुछ प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ आई हुई हैं या जो पहले की जो रुकी हुई ग्रांट्स हैं उन सबको रिलीज करवाने का काम करेंगे जी। करण जी, बीजेपी की तरफ से एक नॉमिनेशन है वो दाखिल किया गया और हमें जो चार नंबर के पार्षद है वो भी मिले, कि जो बाकी लोग हैं वो बिल में घुस गए, मैं अकेला ही लड़ा, तो तीन नॉमिनेशन हुए पहली बार। आपको लगता है कि हालांकि दो नॉमिनेशन होते रहे, इस बार तीन थे जी, क्या क्या लग रहा है सरकार के जो लोग हैं जो नहीं पहुंचे? आपके जरिए बहुत ऐसे लोग थे जो दावे कर रहे थे कि करण को हराने का काम करेंगे और बनने नहीं देंगे जी। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आज वोट डालने क्यों नहीं आए जब इतना दम लगा रहे थे मेरे खिलाफ जी। तो आज वो डर के ही बैठे हैं कहीं ना कहीं जी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नव निर्वाचित चेयरमैन करण चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।